नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समय दूरी चाल टॉपिक की हमने अभी शुरुआत की थी और अभी एक क्लास हमारी कंप्लीट हुई है। उसमें हमने कंप्लीट इस टॉपिक का बेसिक समझा है कि किस तरीके से फॉर्मूला यूज़ होगा, किस तरीके से समय और जो चाल है उसको हमने कन्वर्ट करना है सेकंड से घंटों में या घंटों से सेकंड में, या किस तरीके से किलोमीटर प्रति घंटा टू मीटर पर सेकंड क्यों होता है, क्या ट्रिक होगा, सब डिटेल हमने पार्ट वन में समझा था। तो जिस बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है और वो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले पार्ट वन देखिए फिर इस पर आइए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते रहेंगे और सभी टाइप वाइज क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो आज सेकेंड क्लास है और इसमें हम एवरेज स्पीड औसत चाल का कंसेप्ट समझेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना होता है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इनका ट्रिक रहता है और ट्रिक कहाँ तक उसकी लिमिट रहती है कि हर क्वेश्चन में लगेगा नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो कितना लेंथी हो जाएगा, सब डिटेल इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक व्यक्ति कोई दूरी 40 किलोमीटर की रफ्तार से तय करता है और वापस आते हुए वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो आने और जाने में उसकी औसत चाल क्या थी। देखिए, एक कोई दूरी है, यहाँ से पूरा कम्प्लीटली एक क्वेश्चन को समझेंगे किस तरीके की आगे एग्जाम में लैंग्वेज रहेगी और कहाँ जाकर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रिक लगाना मुश्किल रहेगा, क्या कंसेप्ट है सब समझेंगे। एक दूरी है, मान लेते हैं ये एक्स से वाई, ये एक दूरी है, उसको एक व्यक्ति तय करता है, जब जाता है वो उस दूरी के लिए तब तो वो चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी जाते समय उसकी जो औसत चाल है या चाल है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। वापस आता है तब उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें ये पूछा गया है कि उसकी औसत चाल बताइए। देखिए, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होगा, औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी। अगर टोटल दूरी में, सिंपल सी बात है कि आपने कोई भी दूरी तय की, कोई भी शहर आप गए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस चाल से गए हो तो जितनी दूरी आपने तय की और उस दूरी को तय करने में जितना आपको समय लगा, यानी कुल दूरी में कुल समय का भाग दे दें तो आपकी औसत चाल आ जाएगी, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। इस तरीके से हमने औसत चाल फाइंड करनी होती है, यानी गया वो 40 के हिसाब से, आया वो 60, तो ये टोटल जो दूरी है उसको तय करने में जो टोटल समय लगा है वो हमारा औसत चाल होती है। औसत चाल का फॉर्मूला या ट्रिक क्या है वो लिखवाता हूँ, फिर वो कहाँ से आया वो भी समझेंगे और हमने लॉजिकली अप्रोच लगानी क्या है वो भी इस क्वेश्चन में समझेंगे। ट्रिक हमारे पास होता है कि 2AB/A+B। ए और बी यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, जो चाल उसकी थी जाने और आने में, यानी वो गया था 40 की रफ्तार से, आया था 60 की रफ्तार से। तो आंसर निकालने के लिए अगर मैं ये ट्रिक लगा दूँ 2AB/A+B तो हमारी औसत चाल आ जाएगी। देखिए, और कैसे बना, क्यों बना और हमने अप्रोच लगानी क्या है सब समझेंगे। तो चाल क्या है, 60 और 40, तो 2A 40 है और B क्या है, 60 बटा A+B, यानी 40 और 60, A+B कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसे सॉल्व करना है तो 20 से 20 कट गया, 6 चौका 24, 24 दूना 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या थी, औसत चाल थी। क्लियर है, ये उसकी औसत चाल है इस कंप्लीट दूरी को तय करने के लिए। पर हर क्वेश्चन में हम ये वाला जो ट्रिक है ये हम हर क्वेश्चन में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब तीन केस आ गया, डबल आ गया, रेशो में आ गया, तब हम इस चीज़ को डायरेक्ट ये अप्रोच नहीं लगा पाएंगे। तो ये बना कैसे, पहले वो लॉजिक समझ लेते हैं। देखो, दूरी कुछ भी हो सकती है, दूरी आप 50 किलोमीटर मान लो, 100 किलोमीटर मान लो, 200 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं कोई ऐसी दूरी मान लेता हूँ जो इन दोनों से कट जाए। तो मैंने दूरी मान ली 120 किलोमीटर, कि x और y के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 120 किलोमीटर है। क्यों, क्योंकि 40 के रफ्तार से जाएगा तो भी इससे कट जाए, यानी प्रॉपर समय आ जाए, और 60 से भी प्रॉपर कट जाए। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि x और y के बीच में, अगर मैंने इन दोनों का एलसीएम दूरी मान ली है,
अगर दूरी 120 किलोमीटर है, 40 की रफ्तार से जाएगा, तो आप बताइए कितना समय लगेगा? 3 घंटे लगेगा। 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर तय करेगा तो टोटल समय कितना लगेगा? 3 घंटे। 60 के हिसाब से करेगा तो कितना समय लगेगा? 2 घंटे। यानी एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी गया, 120 किलोमीटर की दूरी वापस आया, तो टोटल दूरी उसने कितनी तय कर ली? 120 और 120 कितना हो गया? 240। क्लियर है? गया भी 120 किलोमीटर, आया भी 120 किलोमीटर, जाते टाइम कितना समय लगा? 3 घंटे। आते समय कितना समय लगा? 2 घंटे। तो टोटल समय कितना लग गया उसको? 5 घंटे। कुल दूरी है 240 किलोमीटर, जिसे तय करने में कुल समय लगा है 5 घंटे। तो कुल दूरी बटा कुल समय, हमारी औसत चाल होती है तो किससे कट जाएगा? 48 से, क्योंकि 48 पाँचा 240, ये हमारा आंसर है। देखो ये और ये चीज़ सेम है, अभी मैं उस पर भी डिस्कस करूँगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन को आप इस अप्रोच से करिए ताकि एग्ज़ाम में आने वाला हर क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओ। दूरी कुछ भी मान लो, दूरी हमने 120 मान ली, इसलिए मानी था कि 40 और 60 से कट जाए तो हमें समय मिल गया। 120 किलोमीटर गया है, 120 किलोमीटर वापस आया, तो टोटल दूरी हो गई 240 किलोमीटर। ये हमारा एवरेज स्पीड आ गई। अब ये कहाँ से बना, किस तरीके से बना, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ से अगर मैं दूरी की बात करूँ, जैसे इसमें अगर हम दूरी की बात करें, जाते टाइम क्या थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आते टाइम 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं जो दूरी मान लेता हूँ वो इन दोनों की मल्टीप्लाई मान लेता हूँ, यानी 40 गुणा 60, ये मेरे पास क्या है? दूरी है। तो गया भी इतनी दूर और आया भी इतनी दूर, तो क्या दूरी डबल हो जाएगी? जाते टाइम भी ये दूरी, आते टाइम भी ये दूरी, तो दूरी कितनी होगी? 2 गुणा 40 गुणा 60, 2ab हो जाएगा। अब अगर ये दूरी है, इसमें 60 का भाग देंगे तो समय 40 आएगा क्या? और 40 का भाग देंगे तो समय 60 आएगा, और ये क्या है? टोटल समय है। और टोटल समय का अगर जोड़ करके इसमें भाग दे दें तो क्या आ जाएगा? औसत चाल आ जाएगा। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये उसी तरीके से बन गया। मैंने दूरी इन दोनों की मल्टीप्लाई मान ली थी, इसलिए एक का भाग देंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा? समय, इसलिए समय का जोड़ हो गया, दूरी क्या हो गई? डबल हो गई। तो ये कंसेप्ट है किसका? एवरेज स्पीड का, जहाँ कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो इस पर हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या वो लैंग्वेज में आपको उलझा सकता है। कई बार दूरी खुद दे देगा, वो दूरी वो क्वेश्चन में खुद दे देगा, उसको भी हमने इग्नोर करना है, उससे रिजल्ट पर कोई या आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन से। तो दूसरा क्वेश्चन है कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है, एक व्यक्ति जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और वापस आते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, औसत चाल बताइए। यानी इस बार ए और बी के बीच की दूरी हमें दे रखी है 40 किलोमीटर। जब वो ये दूरी तय करता है तो जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और वापस आते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, हमें औसत चाल पूछी गई है। औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ हमें ये दूरी दे रखी है, ये मैटर नहीं करेगी। अगर हम दी गई दूरी से जाएंगे तो हो सकता है क्वेश्चन लेंथी हो जाए, आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन को हम दोनों एंगल से समझ लेते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया कि एक साइड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक साइड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं अपनी सहूलियत के लिए दूरी है वो मान लेता हूँ इन दोनों का एलसीएम 60 किलोमीटर, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी अगर मैं 60 किलोमीटर मानूंगा तो जाते समय 20 दिया 60 यानी 3 घंटे लगेंगे और वापस आते समय 30 दूना 60 2 घंटे लगेंगे। वो गया भी 60 किलोमीटर, आया भी 60 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 120 किलोमीटर। कुल दूरी 120 किलोमीटर है और उसमें कुल जो समय लग गया वो कितना लग गया? 5 घंटे, और 5 का मैं भाग दे दूंगा तो 24 पाँचा 120, तो एवरेज स्पीड आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? इस तरीके से हम अपनी दूरी मानकर इसका आंसर निकाल सकते थे। अब सेकंड,
अगर मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी सॉरी मैं 40 किलोमीटर की दूरी मानकर भी करता तब भी आंसर ये आना था। देख लीजिए, अगर मैं दूरी मानूँ 40 की तो 20 के हिसाब से जाते हुए कितना समय लगा? आप कहोगे जी 2 घंटे लगे। और मैं आपसे कहूँ जी वापस आते हुए कितना समय लगा तो 40/3 होगा, तो आप कहोगे जी 4/3 घंटे लगे, क्योंकि दूरी कितनी है 40 और उसमें 30 की रफ्तार से, तो 40/30 क्या हो गया 4/3। तो वापस आते 4/3 घंटे और जाते हुए 2 घंटे लगे, दूरी टोटल कितनी हो गई? गया भी 40 आया भी 40, तो दूरी टोटल कितनी हो गई? 80 किलोमीटर हो गई। 80 में टोटल समय हमारे पास ये है, कितना है? 2+4/3, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 4 = 10/3, यानी 10/3 का इसमें भाग दे देंगे तो 3 क्या हो जाएगा? गुणा में 0 से 0 कट गया, 8 + 3 = 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दूरी क्या है ये मैटर नहीं करेगा, तो कई बार क्वेश्चन में आपको उलझाने के लिए वो ऐसी दूरी लिख देगा जो प्रॉपर नहीं कटेगी, तो हमें दूरी पर नहीं उलझना है। ये दूरी क्या दे रखी है इस पर हमने ध्यान नहीं लगाना है, हमने अपनी दूरी मान लेनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी हमने शुरुआत की है। धीरे धीरे इसका आज की क्लास में ही कंप्लीट हम कंसेप्ट समझेंगे, तो धीरे धीरे इसका लेवल है वो बढ़ाएंगे और सभी क्वेश्चन इस बेस पर हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि एक व्यक्ति स्थान ए से बी के बीच की दूरी का 180 किलोमीटर हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 120 किलोमीटर का हिस्सा 40 किलोमीटर की रफ्तार से तय करता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल बताइए। देखिए, एक कोई दूरी है, उसके इस बार दो हिस्से दे रखे हैं। ये कहता है कि ए और बी के बीच की जो दूरी है उसका एक हिस्सा जो उसने दे रखा है कितना? 180 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, यानी एक दूरी के दो हिस्से दे दिए। और दूसरा आगे कहता है जी 120 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। इस क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इस बेस पर हम धीरे धीरे आगे इसका लेवल बढ़ाएंगे। एक दूरी है ए से बी की, उसका एक हिस्सा 180 किलोमीटर का जो इस रफ्तार से तय करता है, एक हिस्सा 120 का वो इस रफ्तार से तय करता है। तो आप ही बताइए 60 के हिसाब से 180 किलोमीटर में टाइम कितना लगेगा? 3 घंटे। यहाँ 120 में 40 के हिसाब से टाइम कितना लगेगा? यहाँ भी 3 घंटे। तो टोटल समय कितना लग गया? 6 घंटे लग गया। टोटल दूरी कितनी हो गई? 180 और 120 कितना हो गया? 300 किलोमीटर। तो टोटल दूरी 300 किलोमीटर, टोटल समय आपका 6 घंटे, तो औसत चाल कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय बराबर होता है औसत चाल। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कि इस तरीके से हमने अलग अलग दूरी हमें दे रखी है और हम आंसर निकाल देंगे। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वहाँ आपको दूरी डायरेक्ट बांट कर नहीं देगा, वो कोई ना कोई अलग अलग क्वेश्चन का हिंट देगा। धीरे धीरे हम उन क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति स्थान ए व बी के बीच की दूरी का कुछ हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और शेष उससे दुगुना हिस्सा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। देखिए, ए और बी कोई दो स्थान है जिनके बीच की दूरी है। यहां ये कह रहा है कि उसका कुछ हिस्सा तो 60 किलोमीटर, यानी शुरुआत में वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुछ हिस्सा तय करता है और फिर बचा हुआ शेष जो उससे क्या है? दुगना है, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। यानी अगर ये एक है तो ये क्या है? 2 है, यानी इससे क्या है? दुगना है। क्लियर? तो इस केस में भी देखो हमने करना क्या है, दूरी जो माननी होती है वो ऐसी माननी है जो 80 और 60 से प्रॉपर कट जाए, और दोनों से कटने के लिए क्या होता है? इन दोनों का एलसीएम होता है। तो 60 और 80 का जो एलसीएम है वो कितना होगा? 240। तो मैं दूरी ये मान लूँगा 240। अगर मैं ये 240 मान लूँ तो इधर वाली क्या हो जाएगी? आप कहोगे जी 480 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कह रखा है कि इससे ये दूरी क्या है? दुगनी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक हिस्सा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो तय करता है, इससे ये
जो दूरी है वो दुगनी है और औसत चाल पूछी गई है। तो हमने जो एलसीएम इन दोनों का लेना है, 60 और 80 का एलसीएम ले लिया, तो ये दूरी मैंने 240 मान ली, मुझे पता ये 60 से भी कट जाएगी और 80 से भी कट जाएगी। और अगर मैं इसका दुगना कर दूं तो अगर 240 80 से कट रहा है तो 480 भी कटेगा। एलसीएम और बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर है, मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए टाइम कितना हो गया, 60 चौका 240 होता तो 4 घंटे हो गए, और 8 छक्का 48 यहाँ कितना हो गया, 6 घंटे टोटल टाइम हो गया। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी। अगर कुल दूरी देखें तो इसमें से कितना हो जाएगा, 48 और 24 कितना होता है, 72, तो 720 किलोमीटर आपकी क्या हो गई, कुल दूरी हो गई। और आप बताइए कुल समय कितना है, 10 घंटे, तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो आंसर कितना आ गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? तो कंसेप्ट वही है कि दूरी टोटल देख लेनी है और टोटल आपका समय उसमें से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा, दूरी हमने माननी है। तो धीरे धीरे और बढ़ते हैं आगे अच्छे क्वेश्चनों की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 3/5 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से व शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल बताइए। है वही क्वेश्चन जो पिछला किया था। देखो एक दूरी है, ए और बी स्थान है, इसमें एक हिस्सा है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो तय करता है और एक हिस्सा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। यहाँ से इसके लिए उसने कह दिया ये कितना है, 3/5। 3/5 का क्या मतलब हो गया, 5 में से 3। अगर ये टोटल दूरी 5 है तो इसमें से ये कितना है, 3 है। अगर ये 3 है तो टोटल 5 है तो ये कितना रह गया, 2 रह गया। क्लियर है? यानी 3 हिस्से इस दूरी से तय करता है, 2 हिस्से इस दूरी से तय करता है, बाकी सब चीज़ें सेम है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 30 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 60। यानी 60 इन दोनों से कटेगा, तो 3 हिस्से और 2 हिस्से हैं, तो 60 के हिसाब से 3 हिस्से कितने हो गए, 180, और 2 हिस्से कितने हो गए, 120। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन में कह रखा है कि एक दूरी है उसका 3/5 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। 3/5, इसका मतलब 5 में से 3 हिस्से, तो 3 ये है, ये कितने बच गए, 2। क्लियर? एलसीएम इन दोनों का लेना है ताकि वही वैल्यू होगी जो इनसे कटेगी। तो एलसीएम इनका कितना है, 60। तो ये 3 हिस्से हैं, तो 60 का 3 × 180 कर दो और 60 का 2 × 120 कर दो इस तरीके से। तो यहाँ से समय कितना लग गया, 6 घंटे, यहाँ से भी समय कितना लग गया, 20 × 6 = 120, 6 घंटे। टोटल अगर दूरी देखी जाए तो 120 और 180 कितना हो गया, 300 किलोमीटर। टोटल 300 किलोमीटर है और बटा समय कितना है, 12 घंटे है। तो 12 का भाग दे दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 × 24, 12×5 = 60। यानी औसत चाल आ गई आपकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? तो कंसेप्ट वही है कि जो दोनों साइड आपकी चाल होगी उसका एलसीएम हमने क्या मानना होता है, दूरी। अब दूरी आपकी डबल दे सकता है, ट्रिपल दे सकता है, या से 3 और 2 के रेशो में दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, उसी हिसाब से दूरी बना दो और आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? होप आप समझ पा रहे होंगे। धीरे धीरे और बढ़ते हैं आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, धीरे धीरे इसका लेवल और बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 25% हिस्सा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष हिस्सा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। देखिए उसी लेवल का ये क्वेश्चन है कि एक दूरी है, स्थान है ए और बी। यहाँ ये कह रहा है कि उसका 25% हिस्सा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष हिस्सा, तो अब शेष हिस्सा कितना बच गया, 75% बच गया, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। औसत चाल बतानी है तो औसत चाल के लिए हमारे पास कुल दूरी बटा कुल समय होना चाहिए। तो दूरी मापने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों का एलसीएम करना है। तो इन दोनों का जो एलसीएम है, 120 और 100 का एलसीएम कितना आएगा, 600। हमें पता है ये 25%, ये 75, यानी अगर ये 1 है तो ये क्या है, 3। इसका मतलब एलसीएम इनका 600 है। अगर ये दूरी 600 किलोमीटर है, अगर ये 1 यूनिट है तो ये 3 यूनिट होगा, यानी कितनी होगी, 1800 किलोमीटर होगी। क्लियर है? एलसीएम ले लिया, उसके बाद जो रेशो दे रखा है उस हिसाब से हमने दूरी मान ली। तो 120 के हिसाब से 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो 120 × 600 है तो 5 घंटे लगेंगे और यहाँ 18 घंटे लगेंगे।
1800 किलोमीटर है 100 के हिसाब से, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 1800 और 600, 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर आपकी टोटल क्या हो गई, दूरी हो गई। और जो टोटल समय है, यहाँ 18 घंटे है और यहाँ 5, तो टोटल समय कितना हो गया, 23 घंटे हो गया। अब इसका भाग देना है हमें। तो अब एक बात आप देखिए, अब इसको आप लॉजिकली ये भी सोच सकते हो कि ये 104 सही 8/23 आएगा। देखो कैसे आएगा, अगर मैं 23 की 100 से गुणा कर दूं तो 2300 आ गया, 2300 तो 100 से गुणा करके डायरेक्ट ही आ गया, बच गया कितना, 100 बच गया। और 23 चौका क्या होता है, 92, यानी 104 की गुणा की तो 2392 आ गया, बच गया कितना, 8। तो जो एवरेज स्पीड है वो 104 सही 8/23 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। तो अब तक जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमें रेशो से इस चीज़ को हमने बांटना है। 3 से 4 क्वेश्चन और इंक्लूड करेंगे अभी, कि और अलग अलग लैंग्वेज में भी अलग अलग वैल्यू देकर कैसे आपको पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने घर से गांव तक की दूरी पैदल व बस द्वारा तय करता है। वह अपनी यात्रा का 1/8 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल व 6/42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बस द्वारा तय करता है। उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए। देखिए, कोई एक दूरी है जो उसके घर से लेकर कहाँ तक है, गांव तक है। अब इसमें इसने कहा है कि उसका 1/8 पैदल तय करता है किस रफ्तार से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 1/8। यानी अगर ये पूरी दूरी 8 है तो उसका एक हिस्सा तय करता है पैदल, और शेष हिस्सा कितना बच गया, शेष 7, ये बस द्वारा तय करता है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्लियर है? तो औसत चाल, औसत चाल के लिए क्या रहेगी, दूरी बटा कुल समय। तो दूरी, जो दूरी ये होगी, इस दूरी का ये 7 गुना होना चाहिए। और दूरी हम कुछ भी मान सकते हैं, पर दूरी हम मानते क्या हैं, इन दोनों का एलसीएम। तो 42 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 42। यानी ये दूरी मैंने 42 किलोमीटर मान ली। अगर ये दूरी 42 किलोमीटर है तो क्या ये दूरी 42 × 7 किलोमीटर होगी क्या, क्योंकि ये इससे क्या है, 7 गुना है। गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ से 14 + 3 = 42, यहाँ समय कितना लग गया, 14 घंटे। यहाँ समय जो लगेगा, देखो 42 × 7 को 42 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 घंटे आएगा, क्योंकि 42 से 42 कट जाएगा, 7 गुना है तो यह आ जाएगा कुल दूरी। तो 42 की 7 से गुणा हो रही है और 1 42 ही है, तो टोटल 42 कितनी बार गुणा हो गया, 8 बार। यानी 42 × 8 क्या हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी। और कुल जो समय हमारे पास है 14 और 7 कितना है, 21। तो 21 घंटे कुल समय, इसका भाग देंगे तो 21 × 42 8 × 16, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल आ जाएगी इस दूरी को तय करने में। यानी सिंपल सा, जितने भी आज के हमने क्वेश्चन किए हैं, अभी हम 2 क्वेश्चन और इंक्लूड करेंगे इसमें। कंसेप्ट क्या है कि कुल दूरी हमने देखनी है और कुल लगा समय इसमें से चेक करके हम औसत चाल बता देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कई बार इसको 3 हिस्सों में भी बांट देगा, तो 3 हिस्से के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन, और फिर इस वीडियो को हम एंड करेंगे आज के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को स्थान ए से बी के बीच की दूरी तय करनी है। वह यात्रा का 1/5 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल, वह यात्रा का 40% हिस्सा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बैलगाड़ी द्वारा, और शेष हिस्सा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। देखिए, एक दूरी है कोई भी ए और बी, इसको वो 3 हिस्सों में बांटकर तय करता है। सबसे पहले कहता है जी, इस यात्रा का 1/5 है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल तय करता है। यानी कोई भी 1/5 हिस्सा है उस दूरी का, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या करता है, पैदल तय करता है, ये दे रखा है। फिर आगे ये कहता है जी, 40% हिस्सा। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। 2/5 हिस्सा है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बैलगाड़ी द्वारा तय करता है, ये दे रखा है।
और नेक्स्ट आगे जो शेष बच गया वो हिस्सा वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल द्वारा तय करता है। औसत चाल आपसे पूछी गई है। देखिए बटा क्या है 5, तो 5 में अगर ये टोटल दूरी 5 है तो उसमें से एक ये तय करता है, 2 ये तय करता है, तो बच गया कितना हिस्सा 2, यानी 1/5 2/5, यानी 5 में से 2 ये हो गया, 5 में से 1 ये हो गया, 3 हो गया, बच गया कितना 2। तो एक हिस्सा वो पैदल तय करता है, 2 हिस्से बैलगाड़ी द्वारा तय करता है और 2 हिस्से ही साइकिल द्वारा तय करता है। दूरी कुल चाहिए, दूरी हम मान सकते हैं, वो क्या मान सकते हैं, इन तीनों का एलसीएम। तो इन जो तीनों का एलसीएम होगा वो कितना होगा, 24 होगा, जिससे 8 से भी जो कट जाए, 6 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, तो एलसीएम कितना है 24। तो हम यहाँ अगर 24 किलोमीटर मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर ये 24 किलोमीटर हुआ तो 4 की रफ्तार से कितना समय लग जाएगा, 6 घंटे लग जाएगा। ये 48 किलोमीटर है तो 6 की रफ्तार से 8 घंटे लग जाएंगे, और ये 48 है तो 8 की रफ्तार से 6 घंटे लग जाएंगे। कुल जो दूरी हो गई वो 48 और 48 96 और 24 क्या हो गया 120 किलोमीटर हो गया। कुल दूरी हमारे पास 120 किलोमीटर है, टोटल जो समय है 6 और 6 12 और 8 20, टोटल 20 घंटे लग गए, तो औसत जो चाल आ गई वो 6 × 12 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी तीन हिस्सों में भी बांटा जा सकता है। सिंपल सा एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि टोटल दूरी हमें चाहिए, दूरी हम कुछ भी मान सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन से मैं आपको ये समझा चुका हूँ, जो मैंने ट्रिक समझाया था उसमें भी दूरी हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन हमने समझा था वहाँ भी हमने 2 अलग अलग दूरी मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो दूरी आपने ऐसी माननी है जो इन सबसे कट जाए, उसके बाद जो जो उसका रेशियो है उतना उतना दूरी आप लिख दीजिए और आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू 2 पर पूछ सकता है, वैल्यू 3 पर भी पूछ सकता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति हवाई जहाज के द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की रफ्तार से, 1200 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और 500 किलोमीटर की दूरी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, औसत चाल बताइए। देखो इजी क्वेश्चन हो गया ये, यहाँ दूरी भी दे रखी है और चाल भी दे रखी है। देखिए तीन दूरी अलग अलग दे रखी है और तीन चाल अलग अलग दे रखी है। सबसे पहले कहता है जी 2500 किलोमीटर की दूरी, 2500 किलोमीटर की दूरी 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। फिर कहता है 1200 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, और फिर आगे कहता है जी 500 किलोमीटर की दूरी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। पूरी जो दूरी है उसमें उसकी औसत चाल बताइए, यानी सब कुछ हमें दे रखा है। टोटल दूरी अगर देखा जाए तो 2500 500 3000 और ये 1200, यानी 4200 किलोमीटर हमें टोटल दूरी दे रखी है। इस 4200 किलोमीटर की दूरी में हमें जो कुल समय लगा है अगर उसका हम भाग दे देंगे तो औसत चाल आ जाएगी। तो यहाँ देखिए कितना समय लगा है, 5 घंटे, 4 × 12 यहाँ 3 घंटे लगा है, और यहाँ 2 घंटे समय लगा है। तो टोटल जो समय लग गया वो कितना लग गया, 10 घंटे लग गया। 10 घंटे का इसमें भाग दे देंगे तो जो आंसर आ गया वो 420 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, उसकी औसत चाल हो गई। तो आज जो समय दूरी चाल का जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने ये समझा है कि एवरेज औसत चाल का कंसेप्ट क्या रहता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या हमने अप्रोच लगानी थी। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टाइप के क्वेश्चनों को इंक्लूड करेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा आपसे की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को इस चैनल के साथ जोड़िए और इसे अपना चैनल समझ के शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।